साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं, लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पॉपुलर भी है, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं, ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार है। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे, शीतली है, कपाल भाती है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में, ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है।